जी दोस्तों, सत श्री अकाल, सलाम आदाब, नमस्कार। बहुत टाइम हो गया जी, कोई भी वीडियो अपडेट नहीं कर पाया मशरूफियत की वजह से। तो आज एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा आपके लिए लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये नुस्खा बहुत ही हमारा जो कह लो के एक अक्सरी नुस्खा है, इसको बूढ़े, औरतें, बच्चे सब खा सकते हैं। जिन लोगों को कमज़ोरी महसूस होती है, बदन टूटता रहता है, जोड़ों में दर्दें होती हैं, हाथों पाँव में दर्दें होती हैं, गठिया है, इसके अलावा जिन भाइयों को टाइमिंग की प्रॉब्लम है और मर्दाना कमज़ोरी है, सभी के लिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दिए गए बेल के बटन को दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलता रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा नुस्खा है ये शिंगरफ का नुस्खा है। बहुत सारे नुस्खे मैं पहले भी शिंगरफ के दे चुका हूँ, मगर ये जो नुस्खा है ये बनाने में आसान, इसको कोई भी बना सकता है। कोई भी जो नया नया वैदगी में आया है, वैद जो बन गया है, हकीम है, इसको बनाकर इस्तेमाल करे। इसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसके। तो आपने क्या करना है, आपने 20 ग्राम शिंगरफ लेनी है, रूमी शिंगरफ, उसको शीरे मदार यानी कि आग का दूध निकाल लेना है। एक चीनी के कप में आग का दूध डाल के उसके अंदर आपने वो शिंगरफ की डली जो 20 ग्राम की है उसको उसके अंदर डिप करके रखना है। हर तीसरे दिन ये दूध चेंज करना है, नया दूध डालना है। ऐसा आपने 3 मरतबा करना है तो ये शिंगरफ आपकी जो है ये मुकत्तर हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि एक स्टील की कढ़ाई लेनी है, छोटी सी जो कढ़ाई होती है स्टील की, तो उसके अंदर इस शिंगरफ को पीस कर डालना है। ज़्यादातर हम नुस्खे बनाते हैं शिंगरफ की डली को उसी तरह रखा जाता है, तो आपने इस शिंगरफ की डली को पीस देना है। पीस के एक जो लोहे की आपने स्टील की सॉरी कढ़ाई ली है उसी में ही पीस देना है। ज़्यादा पीसने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर बिल्कुल बारीक नहीं करना, बस ये पीस के पाउडर हो जाए। अब आपने सफ़ेद प्याज का रस लेना है, ये कम से कम आपके पास आधा किलो रस होना चाहिए। नीचे आग जलानी है, बालू यंत्र के ऊपर रखना है इस कढ़ाई को, यानी कि आग आपकी बिल्कुल धीमी होनी चाहिए कि जो कढ़ाई है ये इसमें आग इतनी हो कि बस ये गर्म रहे, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो, ज़्यादा इतना ज़्यादा गर्म नहीं कि इसको आप कढ़ाई को कभी भी हाथ से पकड़ सकते हैं, ऐसा इतना सेका होना चाहिए इसके नीचे। अब इसके ऊपर जो आपने वो मुकत्तर रस लिया है सफ़ेद प्याज का, वो आधा आधा चम्मच डालते जाएं और किसी स्टील के चम्मच के साथ इसको जैसे हम तड़का लगाते हैं इस तरीके से इसको हलाते जाएं, थोड़ा थोड़ा रस डालते जाएं, जब ये सूख जाए फिर रस डालें, फिर इसको हलाएं, जब ये सूख जाए, ऐसा तब तक करें जब तक ये सारा रस आपका ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पे ये कीचड़ जैसे आपको मिलेगा लास्ट में, तो इसकी आपने मूंग के दाने जितनी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेनी है। ये वो खजाना हिकमत का आपके पास आ गया जिसको दुनिया तरसती है। अगर आप ये अकेली शिंगरफ बना लेते हैं तो आपको और कोई शिंगरफ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आप अपनी समझ के अनुसार कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जिनको असाबी कमज़ोरी है, बदन में कमज़ोरी रहती है, मसल पेन करते हैं, बुढ़ापा, जो उम्र से पहले बुढ़ापा आ गया है, झुर्रियाँ आ गई हैं, चेहरे का रंग फीका पड़ गया है, चेहरे के जो जिनके काले घेरे आ गए हैं औरतों के, उनके जोड़ों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द रहता है, पिंडलियों में हवा भर जाती है, सभी के लिए ये शिंगरफ की जो गोलियां हैं ये अक्सरी गोलियां हैं। इसको खाने का तरीका भी यही है कि एक दूध का गिलास लें गाय के दूध में, एक कप दूध में एक चम्मच देसी घी डालकर ये एक गोली खा लें। और जो जब भी आपने ऐसे कोई कुश्ता खाया जाता है तो खुराक का जो खास ध्यान रखा जाता है, इसके साथ खुराक बहुत ज़रूरी होती है। तो जब भी आप खाना खाते हैं तो आप जो चाय वगैरह का सेवन कम कर दें, दूध का सेवन करें जब तक ये आप शिंगरफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा रात को सोने के टाइम एक अंजीर दूध में बॉयल करके रात की जो गोली खानी है उसके साथ खाएं, अंजीर को भी चबा कर खा लें, जिससे आपका पेट साफ़ होता रहेगा। अगर ज़्यादा कब्जियत है तो आप जो आयुर्वेद का कोई चूर्ण जो कब्जी के लिए आता है, या फिर आप सरनाए पत्ती, सौंफ और मिश्री, ये बराबर वजन कूट कर रख लें और ये आधा चम्मच शाम को लें, जिससे आपका पेट साफ़ होता रहे। कोई
कोई भी कुश्ता जब आप खाते हैं तो पेट साफ करना ज़रूरी होता है। अगर आपका पेट साफ नहीं होता तो कोई भी कुश्ता आपको काम नहीं करता। फिर आप बोलते हैं कि जो बताने वाला है उसने नुस्खा गलत बताया है, हमको काम जितना बताया गया उतना काम नहीं किया। दरअसल पेट साफ करना आयुर्वेद के अंदर सबसे ज़रूरी है। जब तक पेट साफ नहीं होता कोई भी दवाई आपको जल्दी से काम नहीं करती। तो इस चिंगरफ को बनाएं। जितने भी भाई बहन कमज़ोरी से ग्लूकोज लगवाते हैं, जिनका बीपी लो रहता है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। जिनको बार बार दर्दें रहती हैं जोड़ों के अंदर, जो एलोपैथी गोलियां खाते हैं, और ये इसका सिर्फ 21 दिन सेवन करेंगे तो कोई भी दोबारा आपको जोड़ों का दर्द नहीं रहेगा, कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई भी खा सकते हैं। जो बच्चे हैं उनको अपने डॉक्टर या अपने वैद्य, जो नज़दीकी वैद्य है जिसके साथ आपका जो रूटीन के जो मेडिसिन लेते हैं उनके साथ सलाह करके फिर खिलाएं। ज़्यादा छोटे बच्चे को ये नहीं देना। 12 साल के ऊपर के जो नौजवान बच्चे हैं उनको इसका सेवन करवा सकते हैं। और ये जवान बच्चों के लिए तो एक अमृत का काम करता है, साथ में बड़े पेट में जो आ चुके हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया अक्सीरी काम करता है। ये शिंगरफ को आप मेरे कहने पे एक बार ज़रूर बनाएं। बनाकर इसकी गोलियां तैयार करके रखें। पूरी सर्दी और कोई दवाई बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पेशेंट आपके पास आता है सभी को इसका सेवन करवाएं। तो मेरे को नहीं लगता और किसी दवाई की आपको मेहनत करनी पड़ेगी या अपने क्लिनिक के ऊपर ज़्यादा दवाइयों का भंडार रखना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई एक ही नुस्खा किसी वैद्य के पास हो तो उसको ज़्यादा दवाइयों के ज़्यादा नुस्खों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार ये नुस्खा बना कर रखें, पूरा साल आपको और दवाई बनाने की, अगर आपकी लागत ज़्यादा है तो इसको एक दो बार और बना के रख लें। तो मेरे हिसाब से तो एक जो ये 20 ग्राम शिंगरफ है इसकी बहुत ज़्यादा गोली बन जाती है। एक मतलब चलाने के लिए अगर आपकी डेली के आपके पास 10-12 पेशेंट भी आते हैं तो 5-6 महीने आपके सर्दी की आराम से निकल जाते हैं। तो इसको बनाकर इस्तेमाल करें। और मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऐसी और वीडियो आने, अगर आप आयुर्वेद को पसंद करते हैं और वीडियो ऐसी देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन का जो बटन दिया गया है, बेल का बटन, उसको भी दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे आपको, आयुर्वेद को आप प्रसार के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जो ग्रुप बने हुए हैं, हर एक वैद्य जो है किसी न किसी ग्रुप में शामिल होता है, तो इसका लिंक आप किसी ग्रुप में भी डालें ताकि ऑडियो दूसरे लोगों तक बने पहुँचे, आयुर्वेद का प्रसार हो सके। तो जहाँ दूसरे जो लोग हैं वो भी आयुर्वेद के ऊपर आयुर्वेद की मेडिसिन खाएं तो एलोपैथी से लोगों का खेड़ा छूट सके। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।